पाकिस्तान में सेना और इमरान खान की पार्टी पीटीआई फिर से आमने सामने आ गई है और इस बार माहौल ऐसा है कि 9 मई से भी बड़ा कांड हो सकता है के? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है यह आपको 10 ब्रेकिंग न्यूज के जरिए पता चल जाएगा। यकीन मानिए पड़ोसी मुल्क में कल का दिन बहुत बड़ा हो सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं। वो ब्रेकिंग कौन सी है जल्दी से आप जान लीजिए पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर। बिगड़ते माहौल को देख करके सैनिकों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर लौटने का ऑर्डर दिया गया है सभी सैनिकों को। पाक में 9 मई जैसा कांड दोहराने की आशंका है और सेना के खिलाफ आर पार के मूड में पीटीआई कार्यकर्ता वहां पर नजर आ रहे हैं और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि पाक में 9 मई जैसा कांड दोहराने की आशंका। वही कांड जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से वहां पर अलग अलग हिस्सों में लगातार उग्र हो गए थे पीटीआई के कार्यकर्ता, वही एक बार फिर से होने की आशंका वहां पर बनी हुई है। इसीलिए बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। बिगड़ते माहौल को देख करके सैनिकों की छुट्टियां रद्द की गई है पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर। अगली हुकूमत कौन होगी, कौन सी होगी पाकिस्तान में, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। इसी बीच में बड़ी खबर, तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर लौटने का ऑर्डर दिया गया है पाकिस्तानी सैनिकों को, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सेना के खिलाफ आर पार के मोड में पीटीआई के कार्यकर्ता। चुनाव के नतीजों में जो देरी वहां पर हो रही है इस पर बार बार पीटीआई के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि धांधली वहां पर की जा रही है, वोटों की चोरी वहां पर हो रही है, जनादेश की चोरी की जा रही है। और इसी बीच में ये जानकारी सामने आई और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। फाइनल नतीजों से पहले पाकिस्तानी मीडिया का सर्वे सामने आया है। पाकिस्तानी पत्रकारों का अनुमान क्या है, देखिए क्लियर मेजोरिटी पा सकते हैं इमरान खान के प्रत्याशी, ये बात वहां के मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ी खबर, मीडिया का, पाकिस्तानी मीडिया का सर्वे है, पाकिस्तानी पत्रकारों का अनुमान आपको हम बता रहे हैं, क्लियर मेजोरिटी पा सकते हैं इमरान खान के प्रत्याशी, ये बात सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि 150 से 200 सीट इमरान खान पा सकते हैं, उनकी पार्टी पा सकती है। 265 सीटों के लिए वोटिंग वहां पर हो रही है, ये आप जानते हैं। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत के आसार वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये दावा है पाकिस्तानी पत्रकारों का। अगर ये रात तक ही आता, एक डिसेंट टाइम पे आ जाता तो अभी, और इसी तरह आ रहा होता उसी रुझान से जिस तरह आ रहा था, अभी इंडिपेंडेंस किस पे खड़े होते और नून किधर खड़ी होती। मैं हाँ, मैं वही था 150 to 200, 150 से 200 इंडिपेंडेंस। और नून लीग किधर थे? नून लीग मैंने उस वक्त भी कहा था 50 देखें 4-5 में जो नतीजे देख रहा हूँ, जिसकी वजह से जो ये सारा शक जो है बड़ा पुख्ता होता जा रहा है। हमजा शहबाज जीत रहे हैं 5,000 की लीड से। मैं इस पे आऊंगी, ये मेरा अगला सवाल है, वेलकम टू एवरीवन। मुझे ओरिजिनली बताएं कि उसी रविश पे चल रहे होते तो नंबर क्या थे? नंबर मैं डेफिनेटली जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एट द मैक्सिमम 30-40 रहती, और डेफिनेटली जो है जो इंडिपेंडेंस है वो 150 का मार्क आराम से हिट करते। मेरा ख्याल जैसे जिस तरह हमने शुरू किया और उसके बाद रात 12-1-2 बजे तक जो एक मोमेंटम था, मुझे लगता है 100 से ऊपर आजाद पीटीआई के जो बैक इंडिपेंडेंट है, और ये नंबर शायद 40-45 होता कम से कम 100। और पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी 30-30 पीपल्स पार्टी ने तो डेंट, किस चीज को डेंट डालना ही नहीं था, 45-50। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।